नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद किसे नए शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी अश्विनी चौबे, सी अशोक चौधरी या डी रामप्रीत पासवान। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। छठ महापर्व पर जीएस बेस्ड फोटो कंपटीशन के संध्या प्रतियोगिता के प्रतिभागी के नाम की सूची हुई जारी, 25 को आएगा रिजल्ट। छठ पूजा के अवसर पर जीएस न्यूज के द्वारा बेस्ड फोटो कंपटीशन का आयोजन 20 नवंबर 2020 संध्या इवनिंग एवं 21 नवंबर 2020 प्रभात मॉर्निंग में आयोजित किया गया, जिसमें फोटो भेजने का समय संध्या में 5 बजे से 8 बजे तक एवं सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का है। बताते चलें कि प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिक्सर ग्राइंडर, द्वितीय पुरस्कार मिल्टन बोतल एवं तृतीय लंच बॉक्स है। वहीं बताते चलें कि 20 नवंबर को संध्याकालीन अर्घ में कुल 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें पूर्ण रूपे नियम एवं शर्त के अनुसार हुए रजिस्ट्रेशन के बाद प्रतिभागी के नामों की सूचना जारी की गई है, जिसे जीएस न्यूज के वेबसाइट एवं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाकर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। वहीं बताते चलें कि यह प्रतिभागी के नामों की घोषणा है, यह परिणाम नहीं है। परिणाम 25 नवंबर को जारी होगा। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। जीएस न्यूज पर बेस्ट फोटो कंपटीशन का प्रभातकालीन प्रतियोगिता आज, क्या आप उपहार के लिए हैं तैयार? जीएस न्यूज बेस्ट फोटो कंपटीशन का दूसरा अंक प्रभात अंक आज अहले सुबह होगा। वहीं प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु तो अपना एक फोटो या सेल्फी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9798994194 पर सुबह 5 बजे से 8 बजे तक भेजना होगा। कृपया ध्यान दें कि अपने फोटो के साथ अपनी पूरी जानकारी, नाम, पता, मोबाइल नंबर भेजना अनिवार्य है। पुनः चयन होने के बाद आपको व्यक्तिगत रूप से भी सूचना दी जाएगी। बताते चलें कि प्रतियोगिता में पुरस्कार प्रथम स्थान पर मिक्सर ग्राइंडर, द्वितीय स्थान पर मिल्टन वाटर बोतल एवं तृतीय स्थान पर लंच बॉक्स है। बताते चलें कि प्रतियोगिता पूर्णतया निःशुल्क है। यह सिर्फ जीएस न्यूज पाठक के लिए है, जिसमें बिहार एवं किसी भी राज्य के प्रतिभागी शामिल होकर पुरस्कार जीत सकते हैं। भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व पर अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया अर्घ। लोक आस्था के महापर्व छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया गया। भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों के साथ साथ बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने घरों पर कृत्रिम तालाब का निर्माण कर भगवान भास्कर को अर्घ दिया। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के कारण जिला प्रशासन के द्वारा आम लोगों से बचाव को लेकर जो अपील की गई थी, उसका भागलपुर में व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट, मुसहरी घाट, SM कॉलेज घाट, बूढ़ानाथ घाट, नया बाजार घाट सहित कई अन्य घाटों पर श्रद्धालु पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। खुद भागलपुर के सीनियर SSP आशीष भारती छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था का मॉनिटरिंग करते दिखे। क्या देखी जा रही है सर? देखिए, आज जो 2020 जो छठ पूजा है उसका आज अष्टमी होता है, अर्घ देने का चल रहा है पूजा और बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल में चल रहा है। ऐसा देखा गया है कि जो पूर्व
में जो लोग आते थे उनकी संख्या में काफ़ी कमी आई है। लोग अपने घरों में अधिक से अधिक संख्या में दे रहे हैं और यहाँ पे भी घाट में भी जो कोरोना गाइडलाइन जारी की गई थी उसका पालन किया जा रहा है। क्या आपके माध्यम से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ तथा कामना करता हूँ कि कल सुबह वाला अर्घ उसको भी इसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का और कम्युनिटी गाइडलाइन का पालन। छठ की शुरुआत हो गई, क्या व्यवस्था आज आपने किया है खास? विभिन्न घाटों में अभी छठ व्रतियों आ चुके हुए हैं और सूर्य देव को डूबते हुए अर्घ दे रहे हैं और बहुत भीड़ है और हम लोग समझा रहे हैं अपने मेगाफोन द्वारा कि छठ व्रतियाँ कम पानी में स्नान ध्यान पूजन पाठन करें, पटाखा ना छोड़े, बच्चों को ख्याल रखें, कोरोना का समय है, डिस्टेंसिंग बना करके रखें जिससे कि अपने भी सुरक्षित रखे, समाज को भी सुरक्षित रखे और परिवार को भी सुरक्षित रहे। और मैं छठ मैया से पूरे संसार विनती कर रहा है कि कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो और आपका अर्घ कल समाप्ति और कोरोना की समाप्ति, यही दुआ करते हैं। गोपालपुर के गोसाई गांव गंगा घाट में लोगों ने कहा छठ में गंगा घाट है प्यारा। नौगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाई गांव के गंगा घाट पर छठ व्रतियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि छठ पर्व उन्हें गंगा का घाट बहुत प्यारा लगता है। पूरे गांव में कहीं भी कृत्रिम घाट या घरों में छठ नहीं होता है, सभी लोग गंगा घाट ही उपस्थित होते हैं। वहीं कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया। कितने दिन से आप घाट पर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है कोरोना के बीच में इस बार? 21 साल से हम गोसाई गांव के घाट पे जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सूना सूना लग रहा है। मैं गोसाई गांव का ग्रामीण हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ और हर साल अपने गांव छठ मनाने के लिए आता हूँ। आज से नहीं, विगत 5 वर्षों से मैं लगातार अपने गांव छठ दिवाली में आता हूँ और धूमधाम से दिवाली छठ मना के फिर वापस जाता हूँ। गंगा में छठ मनाने का कैसा आनंद है? गंगा में छठ मनाने का एक सुखद ही आनंद है, बिल्कुल अलग सा। जो अपनी गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हें ही पता हो सकता है कि ग्रामीण व्यक्ति किस तरह से छठ को एक निष्ठापूर्वक मनाते हैं और एक श्रद्धापूर्ण से सूर्य देवता को अर्घ दे के एक पूजा को, महापर्व जो हमारा बिहार का महापर्व है, उसको संपन्न करते हैं हम लोग। मैं 20 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ और मुझे यहाँ का छठ पर्व बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कहीं भी रहूँ लेकिन छठ पर्व में गाँव जरूर आता हूँ। गंगा घाट पर छठ पूजा इस बार कोरोना काल में कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, हम लोगों को ये फील नहीं हुआ कि कोई कोरोना यहाँ पर है। जैसे हर साल मनाते थे वैसे ही इस साल भी मना रहे हैं छठ पूजा। आपका परिचय? मेरा नाम आलोक कुमार पाठक, घर गोसाई गांव। मैं नीतीश कुमार झा, गोसाई गांव का निवासी। यहाँ की मुख्य विशेषता है कि यहाँ के लगभग सभी लोग गंगा घाट पर ही छठ पर्व मनाते हैं। सभी लोग धूमधाम से छठ की इस पावन मेला को सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ की खास और विशेषता है कि अन्य जगहों की तरह यहाँ पर कोई घर में या किसी घर पर ही पोखर बना करके यह नहीं कही जाती है, गंगा घाट पर ही सबों को अर्घ दिया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि सभी गांववासी एक जगह होकर के यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कोरोना काल में जो है छठ पूजा को, यस, मैं संजीव आनंद विप्लू और मैं बड़ौदा रहता हूँ और इस बार ईश्वर की कृपा से मौका मिला छठ पूजा अटेंड करने का। कोरोना काल में लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जाए, उसके बावजूद भी लोगों की आस्था और भीड़ पे कोई प्रभाव नहीं, तो सभी को मेरी तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका गंगा किनारे गांव है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये हमारे गांव के लिए एक सौभाग्य है कि हमारा गांव गंगा किनारे बसा हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र की उर्वरा शक्ति भी अच्छी रहती है और साथ ही साथ जो आस्था का महापर्व है छठ पूजा, उसमें सभी को ये अवसर मिलता है कि गंगा जी के घाट पे जाके अर्घ डालें, पूजा अर्चना करें। पूरे गांव में एक भी जगह कृत्रिम घाट नहीं बनता है, सब गंगा घाट ही जाते हैं, इसके बारे में? यस, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि बहुत से ऐसी जगह है अपने यहाँ जहाँ पे लोग कृत्रिम घाट बना करके या अपने घर में कुछ व्यवस्था करके छठ पूजा करते हैं, बट हमारे गाँव का ये सौभाग्य है कि गाँव के बगल से गंगा जी की धार जाती है जहाँ पे सभी लोग पहुँच के छठ महापर्व को मनाते हैं पूरी आस्था और उमंग के साथ।
कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-93043-67-170। नवगछिया छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया पहला अर्घ। शुक्रवार को छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली, परंतु इसके भी काफी संख्या में लोग घाटों तक पहुंचे थे। शनिवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ के साथ व्रत का पारण किया जाएगा। हिंदू आस्था के महापर्व छठ का शुक्रवार को तीसरा दिन था। इस दिन छठ व्रतियों ने अस्ताचल गामी सूर्य को पहला अर्घ दिया। इसको लेकर नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न छठ घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उल्लेखनीय है कि छठ को विभिन्न धर्मों के लोग श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। हालांकि इस बार कोरोना के बढ़ते मामले के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी कमी देखने को मिली, परंतु इससे छठ व्रतियों के उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिली। इस बार भी पर्व को लेकर छठ व्रतियों में उत्साह देखने को मिला। लोग सुबह से ही इसकी तैयारी में जुटे थे। छठ पर्व पर सूर्य देव को मौसम के अनुरूप फलों के अलावा खास तौर पर तैयार किया गया ठेकुआ प्रसाद चढ़ाया जाता है। छठ व्रतियों ने बताया कि ठेकुआ प्रसाद आटे से बनाया जाता है, इसमें शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वहीं नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर, खरीक, गोपालपुर, रंगरा चौक, नवगछिया शहर सहित सभी प्रखंड के गंगा एवं कोसी घाट पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। नवगछिया शहर में गोपाल गौशाला में कृत्रिम घाट का निर्माण नगर पंचायत नवगछिया द्वारा कराया गया था। इसके अलावा शहर के सैकड़ों घरों में कृत्रिम तालाब बनाया गया था। वहीं गंगा एवं कोसी घाट पर भी भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सबों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। वहीं विभिन्न घाटों पर प्रशासनिक पदाधिकारी एवं पुलिस बल मूझते दिखे। नवगछिया गोसाईगांव के गंगा घाट पर पटाखे के पराली में लगी आग, ग्रामीणों के प्रयास से पाया गया काबू। गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गोसाईगांव के गंगा घाट पर छठ महापर्व के पहले संध्या अर्घ के समय उस समय अफरा तफरी मच गई जब पटाखे से पास में रखे पराली में आग लग गई। लोग घाट से दौड़कर आग बुझाने पहुंचे। बताते चले कि सरकारी आदेश के बाद पराली को खेतों में नहीं जलाने को लेकर लगातार एक दर्जन किसानों का पराली एक ही स्थान पर रखा हुआ था और पास में ही कई दर्जन मवेशी बैठे थे। वह खेतिहर किसान का बासा स्थित है। वहीं ग्रामीणों के अथक प्रयास से पराली की आग को बुझाया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि मौके पर मौजूद लोगों के कारण आग पर काबू पाया गया, अन्यथा एक बड़ी घटना घट सकती थी। भागलपुर के शाहकुंड
में छठ पूजा को लेकर घाट बनाने के दरमियान पोखर में डूबने से हुई मौत। भागलपुर जिले के साकोर प्रखंड के अंतर्गत हाजीपुर पंचायत रतनगंज स्थित सेदा पोखर में छठ पूजा को लेकर युवक घाट बनाने गया, उसी दरमियान पैर फिसलने से पानी में चला गया जिससे वह डूब गया। वहीं युवक के डूबने से हाहाकार मच गया, फिर ग्रामीण थाना प्रभारी को सूचित किया। ग्रामीण के पहुंचने के बाद काफ़ी अथक प्रयास किया गया लेकिन प्रयास असफल रहा। वहीं सूचना पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची, फिर एनडीआरएफ की टीम के मदद से युवक को पानी से बाहर निकाला गया। घटनास्थल पर थाना प्रभारी अंचलाधिकारी जयप्रकाश साहब, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमर कुमार मिश्रा, विधायक सुल्तानगंज विधानसभा ललित मंडल प्रमुख पति रामविलास सहित कई अन्य उपस्थित थे। वहीं घटना के बाद मृतक के परिवार काफी गहरे सदमे में है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303767170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।